द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास अनुराधा। लड़की के विवाह योग्य आयु होने के संबंध में जितना भी झूठ बोला जा सकता है, उतना झूठ बोलने के बाद भी उसकी सीमा का अतिक्रमण किया जा चुका है और अब तो विवाह होने की आशा भी समाप्त हो चुकी है। मैयारी मैया, ये कैसी बात है से आरंभ करके आंखें मिचकाकर लड़की के लड़के बच्चों की गिनती पूछने तक में अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में अब ये मजाक भी निरर्थक समझा जाने लगा है। ऐसी ही दशा है बेचारी अनुराधा की। और दिलचस्प बात यह है कि घटना किसी प्राचीन युग की नहीं बल्कि एकदम आधुनिक युग की है। इस आधुनिक युग में भी केवल दान दहेज, पंचांग, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 को पार कर गई, फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। हालांकि इस बात पर सहज ही विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सुबह भी गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर घोषाल, कलकत्ता के निवासी हैं। उनका छोटा बेटा विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह निकालकर चुरुट नीचे रखते हुए पूछा, क्या कहा गगन चटर्जी की बहन ने, मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लेकर आया था बोला, कहा कि जो कुछ कहना है सो जब छोटे बाबू आएंगे तब उन्हीं से कहूंगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन लोगों को मकान से निकाल बाहर करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, आदमियों से काम नहीं होगा। उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं है विनोद, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूं, फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। क्या वह खुद यहां आकर अपनी कठिनाई नहीं बता सकती, विजय ने कहा। विनोद बोला, मैंने यही बात कही थी। लेकिन अनुराधा कहने लगी, मैं भी भद्र परिवार की लड़की हूँ विनोद भैया, घर छोड़कर अगर निकलना ही है तो उन्हें बताने के बाद एक बार ही निकल जाऊंगी, मैं बार बार बाहर नहीं आ जा सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा। नाम तो बढ़िया है, शायद इसीलिए अब तक अहंकार मिटा नहीं है। जी नहीं, विनोद गांव का आदमी है, अनुराधा की दुर्दशा का इतिहास बता रहा था। पतन के इतिहास का भी एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, वही अब बताया जा रहा है। गांव का नाम है गणेशपुरा। किसी जमाने में यह गांव अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 वर्ष हुए दूसरों के हाथ में चला गया। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से अधिक नहीं है, किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन या रहन सहन था 20,000 जैसा, इसलिए कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिग्री हो गई। डिग्री तो हो गई लेकिन जारी ना हो सकी, डर के मारे महाजन रुका रहा। चटर्जी महाशय जैसे कुलीन थे, वैसे ही उनके जप तप और क्रियाक्रम की भी काफी प्रसिद्धि थी। गृहस्थी की फूटी तली वाली नाव फिजूल खर्ची के खारे पानी से मुंह तक भराई लेकिन डूबी नहीं। हिंदू धर्म कट्टरता के फूले हुए पाल में जनसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी जैसे हवा ने इस डूबती नाव को धकेलते धकेलते अमर चटर्जी की आयु की सीमा पार करा दी, इसलिए उनका जीवन काल एक तरह से अच्छा ही बीता। वह मरे भी तो ठाट बाट से और उनका श्राद्ध आदि भी ठाट बाट से हो गया, लेकिन जायदाद का अंत भी इसी के साथ हो गया। इतने दिनों से जो नाव नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, उसे बाबू घराने की सारी मान मर्यादा, लेकिन अथा जल में डूबने में जरा भी देर नहीं लगी। पिता के देहांत के बाद गगन को एक टूटा फूटा ऐसा मकान मिला जिस पर डिग्री हो चुकी थी। गले तक कर्ज तक जकड़ी हुई गांव की जायदाद मिली, कुछ गाय बकरी और कुत्ते बिल्ली आदि जानवर मिले और सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुवारी बेटी अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया,
गांव के ही एक भद्र पुरुष थे। पांच छह लड़के बच्चे और नाती पोते छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब वे विवाह करना चाहते हैं। अनुराधा ने कहा, भैया मेरे भाग्य में राजपुत्र तो पता नहीं है, तुम उसी के साथ मेरा विवाह कर दो। रुपए वाला आदमी ठहरा, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या कह रही हो? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, लेकिन उसके बाबा ने कुल बिगाड़कर सतीपुर के चक्रवर्तियों के यहाँ विवाह किया था। जानती हो उन लोगों की इज्जत ही क्या है। बहन ने कहा, और कुछ भी ना हो, रुपया तो है, कुछ लेकर उपवास करने से मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है। जाओ भैया। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो। बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, लेकिन तुम्हारे निकट तो इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि पिता की कट्टरता पुत्र में नहीं है। मद्यपान आदि जैसे कार्यों से भी उसे कोई मोह नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे गांव की नीच जाति की एक स्त्री आज भी उसका अभाव दूर कर रही है। इस बात को भी सभी जानते हैं। गगन बहन के इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में बेकार की कट्टरता नहीं है, लेकिन कन्या के लिए आवश्यक कुल की शस्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबा दूं? हम कृष्ण की संतान हैं, स्वभाव से कुलीन, गंदी बातें अब कभी मुंह से मत निकालना। यह कहकर वे गुस्सा होकर चला गया और त्रिलोचन गंगोपाध्याय का अध्याय वहीं दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्राह्मण को ऋण मुक्त करना होगा। कलकत्ता में लड़की के व्यापार से हरिहर धन संपन्न हो गए हैं। किसी जमाने में उनके ननिहाल इसी गांव में थी। बचपन में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत से अवसरों पर भरपेट पूरी मिठाइयां भी खाई हैं। रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए वे राजी हो गया। चटर्जियों का सारा कर्ज चुकाकर उन्होंने गणेशपुरा खरीद लिया और कुंडुओं की डिग्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। मौखिक रूप से ये निश्चित हुआ कि कचहरी के लिए बाहर के 2-3 कमरे छोड़कर अंदर के हिस्से में गगन जिस तरह रह रहा है उसी तरह रहता रहेगा। जमींदारी तो खरीद ली गई, लेकिन प्रजा ने नए जमींदार की अधीनता स्वीकार नहीं की। जायदाद थोड़ी सी है, वसूली भी मामूली सी है, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। और फिर गगन ने ऐसी चाले चली कि हरिहर का पक्ष लेने वाला कोई भी गणेशपुरा में नहीं टिक सका। अंत में गगन ही वर्तमान जमींदार का गुमाश्ता बन गया। उसने प्रजा को वश में कर लिया। यह देखकर हरिहर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। रोकड़ में एक पैसा भी नहीं जमा हुआ। इस गड़बड़ी में 2 वर्ष और बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि गुमाश्ता चैटर्जी का कहीं कोई पता नहीं लग रहा। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो कुछ वसूल हो सकता था हुआ है और उसे हड़प कर गगन चटर्जी लापता हो गया है। थाने में रिपोर्ट, अदालत में नालिश और घर का खाना तलाशी, जो कुछ भी कार्यवाही होनी चाहिए थी वे सब की गई। गगन के रुपए में से किसी का पता नहीं चला। गगन की बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब दिशा मांझा, हिलाया डुलाया, लेकिन परिणाम कुछ ना निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ा है, लेकिन वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज लेकर लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई अंतर नहीं है, किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो सकता है। अगर वही उद्देश्य होता तो वे यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत ना जाता। घर लौटकर उसने पिता के
लड़की के व्यवहार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इसी बीच कर्मचारियों पर उसका दबदबा कायम हो गया। मुनीम, गुमाश्ते इस तरह डरने लगे जैसे शेर से डरते हैं। जिस काम की वजह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुरा का विवरण उसके सामने पहुंचा। उसने यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता, उसे खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए वह गणेशपुरा आया है। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अधिक दिन गांव में नहीं रह सकता, जितनी जल्दी हो उसे यहाँ की व्यवस्था करके कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ उस अकेले के ही सिर पर है। बड़े भाई अजय अटारनी है, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त रहते हैं, गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में उनकी 10-10 आंखें काम करती हैं। उनकी पत्नी प्रभामयी कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर, सास ससुर जीवित हैं या मर गए, इतनी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वह रहते हैं वहाँ परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग हैं, उड़िया पैरा है, केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को बहुत बुरी तरह अखरती है, लेकिन उसे आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती आई है, लेकिन जब से वे विलायत घूमकर लौटा है उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से पकाकर डिनर खिलाया है। इसी अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी करवाया है। वे इस वर्ष BA ऑनर्स पास कर MA में एडमिशन लेने की तैयारियां कर रही है। विजय विधुर है। पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहां क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। माँ ने विवाह के लिए कहा तो उसने चीख कर विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला दबा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 भारी कमरे लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी है। जमींदारी के कितने भी कागजात गगन के घर मिल सके जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाए गए हैं, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते के बहनोत को घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था। कलकत्ता से आते समय विजय अपने 7-8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी, लेकिन विजय ने कह दिया था, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है, कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपद विपद में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसा ही कहा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहाँ जरा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मात्रहीन बालक के दिन बिना किसी लाड़ प्यार के ही कटे हैं। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती है, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर विजय को यह बात अच्छी तरह मालूम हो गई है। गणेशपुरा जाते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़की को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी, गवई गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी से रहना, लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। सुना है वहां अपना एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं है भाभी, उस मकान पर अपना कब्जा नहीं है। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। आशा तो यही है, कब्जा हो जाने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी?
उत्तर में प्रभा ने कहा था, पास ही तो है गवई गांव, कभी आंख से देखा नहीं, जाकर देखाऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद हो रहा है, वह भी मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा, लेकिन तब इनकार न कर सकोगी, अपनी बहन को भी जरूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है, बीए ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय की बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो सो बात नहीं है। वहां शांत ग्राम में, निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया में, शीतल संकीर्ण गांव, पथ पर एकांत में सहसा उसके आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रहकर झूले जैसी रौनक पैदा कर रही थी। विजय शुद्ध विलायती लिबास पहने, सिर पर हैट, मुंह में चुरुट दबाई और जेब में चेरी की घड़ी घुमाता हुआ बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में दो मिर्जापुरी लठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर दखल करने में हालांकि झगड़े फसाद का भय है, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने के बजाय मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी, इसलिए वे लड़के को भी साथ लाया है। लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहा है कि अनुराधा अकेली और अततः नारी ही ठहरी, वे जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवॉल्वर साथ है तो साथ ले लेना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है कि ये लड़की शैतान है, पलक झपकते ही आदमी इकट्ठे कर लेती है, और यही गगन की सलाहकार थी। उसका स्वभाव और चरित्र भी ठीक नहीं है, विनोद ने कहा। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। मैंने सुना है। वहां कोई नहीं था। विजय सुने आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। है तो बाबुओं जैसा मकान, सामने पूजा का दालान है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक और क्रमानुसार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है, कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने स्थायी आश्रय बना रखा है। दरबान ने आवाज दी, कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चित्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जीजी को मैं जाकर खबर किए देता हूँ साहब, ये कहकर वे अंदर चला गया। विनोद की आवाज और बात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अब भी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, जीजी, छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़े हैं। इस अभाग्यपूर्ण घड़ी की उसे रोजाना आशंका बनी रहती थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा बेटा, और कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद से बोली, मुझे अधिक देर नहीं होगी। बाबू नाराज ना हो जाए विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें जरा देर बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित स्वर से कहा, क्या करूं जीजी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो नाना ना नहीं कर सकते। इसी से सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछाई गई, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं। विजय घड़ी घुमाता हुआ टहलने लगा और चुरुट फूकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, वे इस द्विधा में पड़ गया। लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए रूखे स्वर में आड़ में खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके बोला, यह मकान हम लोगों का है, सो तो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो? अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की,
लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए भयभीत होकर घबरा गया। वह एक शब्द भी साफ साफ नहीं कह सका। विजय ने 5-7 मिनट धीरज रखकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा टपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहे, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कोई भालू चीता नहीं हूं जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती है यह बताओ। अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी, आपके पिता ने हरिहर बाबू ने कहा था इसके भीतर हिस्से में हम लोग रह सकेंगे। कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, लिखा पढ़ी तो कुछ नहीं है, लेकिन वह तो अभी मौजूद हैं, उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी, आपके पिताजी के मुंह की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात का कोई उचित उत्तर ना सूझने के कारण विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की ओर से शर्त टूट जाने के कारण सारी शर्तें टूट गईं। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और ये बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं हैं, मैंने ही इसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहाँ रहने देंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊँ, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती कहाँ हैं, अनुराधा ने उत्तर दिया, और आपसे मैं अब तक भेंट नहीं कर सकी, सो केवल इस डर से कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। इतना कहकर वे पल भर के लिए चुप हो गई। इसी बीच शायद उसने अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊंगी नहीं, अपनी विपत्ति की बात आपसे साफ साफ कह दी है, वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती, कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसकी आंखें छलक उठी हैं। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी हुई। उसने सोचा था कि इस बेदखल करने में ना जाने कितना समय लगेगा और कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा भिक्षा मांग ली। उसकी जेब में पड़ी पिस्तौल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर उसी को लानत देने लगी, लेकिन अपनी दुर्बलता भी तो प्रकट नहीं की जा सकती। उसने कहा, रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए, जहां हूं वहां बड़ी परेशानी होती है, इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चली आए ना, बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको बहुत कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। अब की बार विजय शर्मिंदा होकर आपत्ति प्रकट करते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा, उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अंदर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते हैं, है तो आप ही का मकान। अंदर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया, माथे पर पल्ला है लेकिन घूंघट नहीं, अदमैली मामूली धोती पहने हैं, जेवर एक भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने की 2 चूड़ियां पड़ी हैं। पुराने जमाने की आड़ में से जिसकी आंसू भरी आवाज विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई थी, उसने सोचा था कि शायद वह भी वैसी ही होगी। विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वे बड़े घर की लड़की ठहरी, लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मंजा हुआ सांवला, बल्कि जरा कालेपन की ओर झुका हुआ ही समझिए।
गांव की सामान्य लड़कियां देखने में जैसी होती हैं वैसी ही है। शरीर दुर्बल इकहरा लेकिन काफी सुगठित मालूम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते हैं। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूँ। तुम साथ नहीं रहोगी राधा जी? जी नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम फिरकर सब कुछ देखा भाला। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमाने का ढेरों सामान अब भी हर कमरे में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसकी कीमत मामूली सी थी, लेकिन किसी दिन किसी जमाने में बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर के कमरों की तरह यह कमरे भी जीर्ण हो चुके हैं, हड्डियां निकल आई हैं, निर्धनता की छाप सभी चीजों पर गहराई से पड़ी हुई है। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। निर्धन और बुरी हालत होने पर भी वे भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम कहकर संबोधित करने में झिझक महसूस हुई। उसने पूछा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? ठीक ठीक तो अभी बता नहीं सकती, जितने दिन आप दया करके रहने दे। कुछ दिन तो रहने दे सकता हूँ, लेकिन अधिक दिन नहीं। फिर आप कहाँ जाएंगी? यही तो दिन रात सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती हैं। वह और क्या क्या कहते हैं? विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन अगर जानती भी हूँ तो क्या भाई को पकड़वा दूँ? यही आपकी आज्ञा है? उसके स्वर में तिरस्कार की झलक थी। विजय बहुत शर्मिंदा हुआ, समझ गया कि अभी जाते की छाप इसके मन पर से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूंगा, भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने दिनों से वह तो जो हमारा सत्यानाश कर रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको मालूम नहीं था? कोई उत्तर नहीं आया। विजय कहने लगा, संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज होती है, क्या आप किसी भी दिन अपने भाई को इस बात की सलाह नहीं दे सकी? मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं, आपके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह और ममता है, विश्वास भी बहुत था, इसीलिए उन्होंने गगन को सब कुछ सौंप रखा था। इसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चिंत समझ लीजिए कि अगर मैं देश में रहता तो ऐसा हरगिज ना होने देता। अनुराधा चुप थी, चुप ही रही। किसी बात का उत्तर ना पाकर विजय मन ही मन गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत दया पैदा हुई थी सब उड़ गई। कठोर स्वर में बोला, इस बात को भी सभी जानते हैं कि मैं कठोर हूँ, व्यर्थ की दया माया मैं नहीं जानता। अपराध करके मेरे हाथ कोई नहीं बच सकता। अपने भाई से भेंट होने पर आप उनसे कम से कम इतना जरूर कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्वत मौन रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया। बाहर के कमरे की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन बाद में यहाँ आऊंगा, स्त्रियां उसके बाद आएंगी। आप नीचे के कमरे में तब तक रहिए जब तक कि आप कहीं और ना जा सकें, लेकिन किसी भी चीज को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। तभी कुमार बोल उठा, बाबूजी प्यास लगी है, पानी पीऊंगा। यहाँ पानी कहाँ है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के अंदर ले जाकर बोली, डाम का पानी है बेटा, पियोगे? हाँ पीऊंगा। संतोष के बना देने पर उसने भर पेट डाम का पानी पिया, कच्ची गरी निकालकर खाई। बाहर आकर बोला, बाबूजी तुम भी पियोगे, बहुत मीठा है। नहीं। पियो ना बाबूजी, बहुत मीठा है, अपने ही तो हैं सब। बात कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर
वह सहसा शर्मिंदा सा हो गया। नहीं 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 पीऊंगा, तू चल। बाबुओं के मकान पर पूरा अधिकार करके विजय जमकर बैठ गया। उसने दो कमरे अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कचहरी की व्यवस्था कर दी। विनोद घोष किसी जमाने में जमींदार के यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे गुमाश्ता नियुक्त कर दिया। लेकिन झंझट नहीं मिटे। इसका कारण यह था कि गगन चैटर्जी रुपए वसूल करने के बाद हाथ से हाथ रसीद देना अपना अपमान समझता था, क्योंकि इससे अंधविश्वास की गंध आती है, जो चैटर्जी वंश के लिए गौरव की बात नहीं थी। इसलिए उसके अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजा संकट में फंस गई। मौखिक साक्षी और प्रमाण लेकर लोग रोजाना हाजिर हो जाते, रोते झीकते। किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्टसाध्य और जटिल प्रश्न बन गया। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटने की सोचकर आया था, उतनी जल्दी नहीं जा सका। एक दिन दो दिन करते करते 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की संतोष से मित्रता हो गई। उम्र में वे 2-3 वर्ष छोटा है, सामाजिक और पारिवारिक अंतर भी बहुत बड़ा है, लेकिन किसी अन्य साथी के अभाव में वे उसी के साथ हिल मिल गया है। वे उसी के साथ रहता है, घर के अंदर बाग बगीचे और नदी के किनारे घुमा फिरा करता है, कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसलों की खोज में। संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खा पी लेता है। संतोष की देखा देखी वह भी उसे मौसी जी कहा करता है। रुपए पैसे के हिसाब के झंझट में विजय बाहर ही फंसा रहता है, जिसके कारण वह रह समय लड़के की खोज खबर नहीं रख सकता, और जब खबर लेने की फुर्सत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता। अगर कभी किसी दिन डांट फटकार कर अपने पास बैठा भी लेता है तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसी जी के रसोई घर में जा घुसता है। संतोष के साथ बैठकर दोपहर को दाल भात खाता है, शाम को रोटी और गरी के लड्डू। उस दिन शाम को लोग बाग आए नहीं थे। विजय ने चाय पीकर चुरुट सुलगाते हुए सोचा, चले नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आया, दिन भर से आज लड़का दिखाई ही नहीं दिया। पुराना नौकर खड़ा था, उससे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारा करते हुए कहा, अंदर। रोटी खाई थी आज? जी नहीं। पकड़कर जबरदस्ती क्यों नहीं खिला देता? ये खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक फाक कर चल देता है। कल से उसे खाने मेरे साथ बैठाना। यह कहकर मन में ना जाने क्या आया कि टहलने के लिए जाने के बजाय वे सीधा अंदर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी ओर से लड़के की आवाज सुनाई दी, मौसी जी एक रोटी और 2 गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया था उसने कहा, उतर आओ ना बेटा, जल्दी उतर आओ, इस छोटी सी डाल को पकड़कर नीचे उतर आओ। विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ है, उसी की 2 मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से पीठ टिकाए दोनों खा रहे थे। विजय को देखते ही दोनों सिटपिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, यह क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय ने अंदर खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके कहा, देखता हूँ आप पर यह जोर जुलुम किया करता है। अब की बार अनुराधा ने मुक्त कंठ से उत्तर दिया, जी हाँ। फिर भी आप सिर चढ़ाने में कसर नहीं रखती, क्यों सिर चढ़ा रही हैं? नहीं चढ़ाने से और भी ज्यादा उधम मचाएंगे, इस डर से। लेकिन घर पर तो ऐसा उधम करता ही नहीं था। संभव है ना करता हो, उसकी माँ नहीं है, दीदी बीमार रहा करती है, आप कामकाज में बाहर फंसे रहते हैं, उधम मचाता किसके आगे। विजय को ये बात मालूम ना हो सो नहीं, लेकिन फिर भी लड़के की माँ नहीं है, यह बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई हैं। किसने कहा आपसे? कुमार ने, अनुराधा ने धीरे से कहा, अभी उसकी उम्र कहने लायक नहीं हुई है, फिर भी उसी के मुंह से सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों को बाहर नहीं निकलने देती, तो भी आंख बचाकर भाग जाते हैं।
जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, लेकिन उस पहले दिन की तरह आज भी उसकी आवाज अत्यंत मीठी मालूम हुई, इसलिए कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए बोला, अब की बार इसे घर ले जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधम मचाना एक तरह का नशा है, ना मचा पाने की तकलीफ होती है, हुड़क सी आने लगती है। दूसरा, वहां इसके नशे खुराक कौन जुटाएगा, दो ही दिन में भागना चाहेगा। अनुराधा ने धीरे से कहा, नहीं नहीं भूल जाएगा। कुमार उतर आओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार तश्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी रोटियां और गरी के लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खड़ा खाने लगा। पेड़ पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वे चीजें धन संपन्न घर की अपेक्षा पद गौरव में कितनी ही तुच्छ क्यों ना हो, लेकिन वास्तविक सम्मान की दृष्टि से कतई तुच्छ नहीं थी। लड़का मौसी की रसोई के प्रति इतना आसक्त क्यों हो गया है, विजय इसका कारण समझ गया। सोचकर तो यह आया था कि कुमार के चटोरेपन पर इन लोगों की ओर से आकारण और अतिरिक्त खर्च की बात कहकर शिष्टता के प्रचलित वाक्यों से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा और करने भी जा रहा था, लेकिन बाधा आ गई। कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसी चंद्रपुली आज भी बनाने के लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चूक गई सो बिल्ली ने दूध उलट दिया, कल ऐसा नहीं होगा। कौन सी बिल्ली ने बताओ तो? सफेद ने। वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संभालने लगी। विजय ने कहा, उधम तो देखता हूँ धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे याद नहीं रहा बेटा, लाई देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में।